दोस्तों स्वागत है आप सबका चिडोरा पॉइंट की एक और स्ट्रीट फूड वीडियो में। और आज हम आए हैं फरीदाबाद सेक्टर 7 हुडा मार्केट में। तो जी दोस्तों, आज हम यहाँ पे कवर करने के लिए आए हैं रविंदर यादव फास्ट फूड कार्ट को। ऑर्डर करते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ का फूड कैसा लगता है। तो भाई अब फटाफट जो है ना मास्क हटाते हैं और हाथ को कर लेते हैं सैनिटाइज। तो हम कार्ट के ना थोड़े से ऑपोजिट खड़े हो गए कि ताकि जो उनके बल्ब की जो रोशनी है ना वो हमारे पर कोई प्रॉपर बिल्कुल आ सके। तो मास्क भी हटा लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें पंकज? मैंने बर्गर की यार बहुत तारीफ सुन रहा हूँ और हर बंदा ले भी रहा है, तो स्टार्ट जो है ना बर्गर से ही करते हैं। इसके साथ यार हमें कैचअप मिली थी, चटनी, वो कहाँ गई? लेकर आ। तो ये दोस्तों हमने किया है ऑर्डर एक बर्गर, एक हाफ हमने लिया है स्प्रिंग रोल और हाफ लिया हमने चिली पटैटो। और पंगा एक बार यार जरा बर्गर के जो है ना जरा साइज दिखा पंगा, क्या बढ़िया है यार, एकदम जबरदस्त है 20 रुपए में। और आप देखो यार इसकी इनर फीलिंग क्या जबरदस्त है पंगा, है बहुत बढ़िया भाई। और फ्राई कर रखा है बर्गर बन को बिल्कुल। मतलब बर्गर के साथ हमें यार ये दो तरह की चटनी मिली है, एक तीखी चटनी है और एक मीठी जी। और ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं मंगज, स्प्रिंग रोल भी है ना। इसका क्या प्राइस है मंगज? 30 रुपए हाफ, 50 रुपए फुल प्लेट। ओके, हमने हाफ लिया है दोस्तों। और चिली पटेटो भी भाई हमने दोस्तों हाफ लिया है। इसका प्राइस है क्वांटिटी बहुत बढ़िया है बिल्कुल, 40 रुपए इसका रेट। तो चलिए दोस्तों अब बारी है इसको टेस्ट करने की। लुक तो मंगज बहुत प्यारी है, अब खाने में पता चलेगा भाई। है वैसे तो सुमित कस्टमरों की भीड़ ही बता देती है कि टेस्ट कैसा होगा। बिल्कुल भाई, भीड़ वहीं पे होगी जहाँ स्वाद बढ़िया होगा, है ना। तो जी सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं पंकज बर्गर से यार, क्योंकि बर्गर की मैंने बहुत तारीफ सुनी है और सबसे ज़्यादा बिक भी बर्गर ही रहा है। बिल्कुल यार बहुत जबरदस्त, 20 रुपए में यार पंकज आराम से एक बंदे का पेट भर जाए, इतना बढ़िया। और साथ में दो दो तरह की कैचअप मिली है, एक मीठी है और एक है चिली वाली भाई, तो मैं दोनों लगाने वाला हूँ। तो चले भाई ले बाइट। हाँ बढ़िया यार भाई, मज़ा आ गया, बहुत जबरदस्त बर्गर, बढ़िया 20 रुपए में वाकई में बढ़िया है पंकज भाई। बन का साइज़ भी बहुत बढ़िया यूज़ कर रहा है, बहुत बढ़िया यार, काफ़ी अच्छा साइज़ है, छोटे छोटे से मिलते हैं 20 रुपए में। सही बात है। और जूसी कितना है, मतलब जो वेजिस लगी हुई है उसका बहुत बढ़िया मज़ा आ गया, गिर रहा सामान इतना है भाई। बर्गर तो पास है और पता चल गया कि जो बर्गर की डिमांड है। नहीं सही बात है भाई, स्ट्रीट फूड में भी ना एक से एक कमाल वाले बंदे बैठे हैं जो आपको इतनी बढ़िया चीज़ प्रोवाइड करेंगे, मज़ा आ जाएगा यार। इसमें से ना पंकज दोनों कैचअप का फ्लेवर बिल्कुल ही अलग है, तीखी है वो, तीखी है लेकिन बहुत मज़ेदार है। और जो मीठी वाली कैचअप है ना दोस्तों, वो टमाटो कैचअप है लेकिन यार बहुत बढ़िया मीठी है। मतलब नॉर्मल होती है जैसे खट्टी मीठी थी, वैसी नहीं है, मीठी ही है। तो भाई अब बारी है स्प्रिंग रोल टेस्ट करने की। और पंगा मैं तो यार इसको ना ये रेड वाली केचप के साथ ही ट्राई करने वाला हूँ। बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया है। अंदर इन्होंने चाउमीन भर रखी है मेरे ख्याल से, नूडल्स हैं, है ना, नूडल्स और सब्जियाँ मिक्स हैं, दो चीज़ें हैं। केचप बहुत अच्छी लगी मेरे को, ऊपर मसाला स्प्रिंकल कर रखा है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है उसका, चाट मसाला डाल रखा ऊपर, उसकी वजह से भी ना बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है दोस्तों। एक बार जो है ना आप इसकी इनर फीलिंग देखो, क्या जबरदस्त है। चाउमीन भरी हुई है, नूडल्स है इसमें और वेजिस काफ़ी अच्छी है, पत्ता गोभी है, काफ़ी कुछ है, प्याज है, गाजर है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है ना। पता नहीं आपको इतनी रोशनी में नज़र सही से आ रहा होगा कि नहीं। पंकज दो चीज़ें हमने ट्राई कर ली हैं, बर्गर और स्प्रिंग रोल, दोनों बेस्ट हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन बर्गर तो भाई साहब अल्टीमेट है यार, बहुत मज़ा आ गया। तो भाई ये दोनों प्लेट जो है ना साइड कर देते हैं, यहाँ रख देता हूँ, वो ले ले फोकस में से। हाँ तो ये दोस्तों अब बारी है चिली पटेटो ट्राई करने की। ओहो हो बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। आलू
जो है ऑलरेडी पहले से ही फ्राई कर रखा है, उसके बाद उसमें प्याज शिमला मिर्च वगैरह का बहुत बढ़िया सा तड़का लगा रखा है। नहीं मसाला खुला और चिल्ली पटाटो ऐसे ही स्वाद लगता है, मसाला खुला है बहुत ज़बरदस्त है और थोड़ा स्मोकी सा टेस्ट आया तेरे को? मेरे को भी आया, इसलिए मुझे नहीं पता कोई कैचअप वगैरह यूज़ कर रखे हैं या कुछ है, कुछ तो ज़रूर है। खाने में ना स्मोकी टेस्ट आ रहा है, बहुत स्मोकी टेस्ट आ रहा है और अच्छी खासी वेजेस डली हुई हैं, प्याज शिमला मिर्च पत्ता गोभी इसमें भी डला हुआ है। लेकिन दोस्तों जो बर्गर और स्प्रिंग रोल खाने में मज़ा आया ना बंगाल, वो अल्टीमेट था ना, बिल्कुल स्वाद ये भी बहुत है, लेकिन उन दोनों के सामने थोड़ा सा इसका टेस्ट दब रहा है भाई, मज़ा आ गया। थोड़ा सा स्पाइसी है, नमक तेज लगा क्या? नहीं नमक बिल्कुल भी तेज नहीं लग रहा मेरे को, हल्का हल्का तेज लगा है, बाकी सबका अपना अपना टेस्ट है। लेकिन भाई हमने तीन चीज़ें ट्राई करी है, तीनों बेस्ट हैं, लेकिन स्प्रिंग रोल और बर्गर भाई साहब अल्टीमेट है, एक बार ये दोनों चीज़ें ना ट्राई करके देखना भाई। प्राइस बहुत अफोर्डेबल है अभी, बहुत यार, 20 रुपये का बर्गर और 30 रुपये का सिंगल स्प्रिंग रोल, दो लेते हो तो 50 रुपये, बहुत सही प्राइस है। तो जी दोस्तों आप एक बार इनका मेन्यू देख लो यार, काफ़ी कुछ है इसके अंदर, आप पॉज करके देख लेना, मैं आपको पूरा मेन्यू दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ की टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक की। दोस्तों लोकेशन हम आपको बता चुके हैं, बाकी इसकी डिटेल जो है गूगल मैप वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बिल्कुल भाई, यहाँ आओ सेक्टर 7 मार्केट में, फरीदाबाद हुडा मार्केट, बिल्कुल बेस्ट है भाई साहब, वर्थ है, मतलब आपको डिसअपॉइंटेड नहीं होगा यहाँ आके। और अगर आप फरीदाबाद के हो तो फिर तो यार डेफिनेटली आना, फिर तो यार यहाँ की भीड़ ही बता रही है कि यहाँ के लोगों को पता है भाई। बिल्कुल। तो जी दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना भाई, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करना, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।